22 साल का कॉलेज का लड़का ट्रेडिंग करके कैसे 50,000 से 60,000 महीने का बना रहा है, अपना पूरा स्टोरी मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे बता के रखे हैं। कैसे वो अपने स्टडी छोड़ दिया और अपने पैशन को दोस्तों प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया, अपना पूरा स्टोरी मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे शेयर करके रखे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के लिखा हूं, बस उस लिंक को क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों पिछले गुरुवार के दिन जो हमारे तरफ से धमाका लेवल दिया गया था 1 बजे, दोस्तों जो लेवल दिया था आपके सामने प्रूव है, क्लियर कट 1 बजे बोल दिया था 41,752। ये जो हमारा बैंक निफ्टी का इंडेक्स लेवल है, इसके ऊपर अगर एक भी 5 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज कर देगा देन आपको दोस्तों बाइंग करना है। उसके बाद देखिए फ्री वाले ग्रुप पे यही लेवल दिया था और जैसे ही दोस्तों बैंक निफ्टी ने लेवल तोड़ा था, क्या ही रैली था और क्या माहौल बन गया था दोस्तों। एक्सपायरी के दिन पूरे के पूरे 500 पॉइंट का मोमेंटम दिया था। तो जाइए फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे तरफ से जो हीरो जीरो कॉल दिया गया था 19 रुपए में बाय करने के लिए दिया गया था और वो चला गया दोस्तों 250 रुपए, यानी कि पैसा 15 गुना हुआ और लोग तो दोस्तों पैसे की बारिश कर दिया भाई उनके अकाउंट में। तो जाइए फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगले हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, सीधे चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो एनालिसिस रहता है एक बहुत ही खूबसूरत और स्पेशल एनालिसिस रहता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं बार बार आपको बोल रहा हूं फ्री वाला कोर्स में लेके आ रहा हूं दोस्तों, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं नहीं लाने वाला, रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, मेहनत भी बहुत लग रहा है, तो जल्दी से फ्री वाला कोर्स आने वाला है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए। तो चलिए सीधे हम चालू करते हैं, हीरो जीरो ट्रेड भी डिस्कस करेंगे, कौन से लेवल टूटने पे बैंक निफ्टी में हम हीरो जीरो खेल सकते हैं, अगले हफ्ते के लिए पोजीशन भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यू दोस्तों मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए, वन डे टाइम फ्रेम पे ये मैं एनालिसिस कर रहा हूं। तो पहले मार्केट का स्ट्रक्चर हम समझते हैं। देखिए दोस्तों मार्केट का स्ट्रक्चर समझने के लिए थोड़ा सा पैटर्न को हम समझते हैं। अगर आप देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को पहले हम एनालिसिस करते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों नीचे की तरफ से एक में ग्रीन कलर का यहां से अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूं, और थोड़ा सा चीज अगर आप नोटिस करेंगे जब भी बैंक निफ्टी इसी ग्रीन कलर का ट्रेंड लाइन को टच करता था यहां से आपको अपसाइड का मोमेंट देखने को मिलता था। पहली बार तो हुआ, सेकेंड टाइम अगर आप देखेंगे दोस्तों यहां पर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ग्रीन कलर का कैंडल को, ग्रीन कलर ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी टच किया, यहां से ऊपर गया। थर्ड टाइम अगर आप देखेंगे दोस्तों यहां पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने इसी ट्रेंड लाइन को टच किया था और यहां से अपसाइड का मोमेंटम दिया था। यानी कि क्लियर कट आपको पता चल रहा है वन डे टाइम फ्रेम पे जो मैं ग्रीन कलर का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूं वो एक बहुत अच्छा स्वीट सा सपोर्ट के जैसा काम कर रहा है। जब भी दोस्तों बैंक निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन को टच करता है ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। अगर हम ऊपर का ट्रेंड लाइन देखें तो यहां पे भी ध्यान से देखिए, ऊपर से भी जो रेड कलर का ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ करके रखा हूं दोस्तों ये देखिए, पहली बार बैंक निफ्टी ने टच किया नीचे आया, ये देखिए। फिर से अगर आप देखेंगे दोस्तों सेकंड टाइम बैंक निफ्टी इसी रेड कलर का ट्रेंड लाइन को टच किया था नीचे आया था। थर्ड टाइम अगर आप देखेंगे दोस्तों यहां पे टच किया था नीचे आया था। तो सीधी सीधी बात है बैंक निफ्टी दोस्तों एक चैनल के अंदर घूमता फिर रहा था और वो चैनल एक डाउन चैनल था, यानी कि दोस्तों इस टाइप का कहीं ना कहीं एक चैनल था और इसी के अंदर ही बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे घूमता फिरता था, कहीं भाग नहीं पा रहा था। लेकिन जिस दिन दोस्तों ये चैनल टूट गया ना, यहां पर ही सारा काम खत्म हो गया और यहां पे ही दोस्तों स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ चेंज हो गया। यानी कि मेरा कहने का सीधी सीधी मतलब है, अगर आप वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे पिछले प्रीवियस चार्ट को अगर आप देखेंगे दोस्तों बहुत महीने तक कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी एक चैनल के अंदर घूमता रहा, लेकिन फाइनली जो हमारा रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन वाला था वही ट्रेंड लाइन को यहां पे जब से दोस्तों बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है तब से ऊपर की तरफ ही मोमेंटम दिया जा रहा है और पूरे के पूरे अपसाइड का मोमेंटम क्लियर कट दिख रहा है। तो सिंपल बात है दोस्तों, स्ट्रक्चर हमारा अपसाइड है ये कंफर्म हो गया। अब मेन बात करते हैं, देखिए एक बार दोस्तों अगर आपको ट्रेंड समझ में आ जाता है तो डेफिनेटली सेकेंड टाइम हमें ये इजी रहता है कि हम ट्रेड कहाँ पे करें। यानी कि हमें क्लियर कट पता चल गया ट्रेंड अपसाइड है। अब सीधी सीधी बात है अगले हफ्ते हम क्या प्लानिंग करना चाहिए। देखिए दोस्तों अगर अगला हफ्ता कल के दिन भी मार्केट फ्लैट खुला 42,200 इस लेवल के ऊपर, अगर एक भी वन डे टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया, क्लियरली दोस्तों अगर आप समझ लीजिए इसके ऊपर इस टाइप का एक अगर बुलिश कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया वो है 42,200 के ऊपर, देन डेफिनेटली इसके ऊपर हमें कॉल ही खरीदना है और व्यू सिर्फ और सिर्फ बाइंग का रहेगा और सीधे की सीधे दोस्तों आपको टारगेट देखने को मिलेगा 43,000 तक। डेफिनेटली दोस्तों 42,200 टूटा तो अगले आने वाले टारगेट रहेगा 43,000, क्योंकि
अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आपको कि ठीक है भाई हमारा रेजिस्टेंस तोड़ा है, देन डेफिनेटली बैंक निफ्टी अपसाइड की तरफ मोमेंटम कर रहा है, यहां से ट्रेंड क्लियर हो गया। अब अगर यहां पे ध्यान से देखेंगे ये जो छोटू सा हमारा रेजिस्टेंस था दोस्तों 41,688, इसको ही बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया। 41,925 ये जो हमारा रेजिस्टेंस था अगर आप देखेंगे दोस्तों इसको भी ध्यान से देखिए गुरुवार के दिन बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया, यानी कि सारा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है। तो हमें कुछ भी नहीं सोचना है अभी सेलिंग के बारे में। अगर फ्लैट खुला 42,200 के ऊपर निकलना चालू किया या फिर इसके ऊपर इंट्राडे भी बाय कीजिए और पोजिशनली खेलना है तो इसके ऊपर अगर वन डे का ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देता है देन डेफिनेटली दोस्तों यहां से हमारा व्यू 43,000 तक होना चाहिए। क्लियर हो गया दोस्तों। ओके, अब हमें दूसरा कहां पे बाइंग करना है, देखिए बाइंग का एक सेटअप मैंने बताया, दूसरा सेटअप मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। एक पॉइंट याद रखिए, अगर मार्केट मंडे के दिन गैप डाउन खुला और 41,925 ये लेवल के आसपास आया और यहां से भी दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आपको थोड़ा सा भी हायर हाई दिखा, थोड़ा सा डब्लू पैटर्न दिखा, देन डेफिनेटली दोस्तों 41,925 के लेवल को जैसे ही टच करता है यहां से भी बाइंग कीजिए। आप बोलोगे इसके पीछे कौन सा रीजन है भाई, देखिए ट्रेंड हमारा कब से क्लियर है अपसाइड दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन जब टूटा ना, जो इतना बड़ा हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन था, यहां से ट्रेंड हमारा क्लियर है ऊपर की तरफ है। अब 41,925 लेवल को अगर आप देखेंगे ये क्या था, ये देखिए रेजिस्टेंस था, ये क्या था, ये एक रेजिस्टेंस था। अगर आप देखेंगे दोस्तों बार बार बैंक निफ्टी यहां से गिर रहा था। अब गुरुवार के दिन क्या हुआ, यही रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है, यानी कि ये रेजिस्टेंस क्या बन चुका है, अभी सपोर्ट बन चुका है। तो यहां से जब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा देन डेफिनेटली दोस्तों यानी कि ये प्लेस को जब टच करेगा 41,925 ऊपर ही जाने वाला है, तो यहां से हमें बाइंग एग्जीक्यूट करना है। अगर ऐसा कुछ हो गया कि यार कल के दिन ऑब्वियसली बात है ऐसा नहीं होने वाला, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला या फिर कुछ अगर समझ लीजिए दो दिन मार्केट नीचे आ भी गया, तो दोस्तों 41,670 से लेके 41,578 ये हमारा बाइंग जोन ही रहेगा। बैंक निफ्टी यहां भी आया तो यहां भी बाय करेंगे। आप बोलोगे भाई बाइंग के बारे में ही क्यों सोच रहे हो, क्योंकि दोस्तों मार्केट हमें क्लियर कट दिखा रहा है कि 41,560 से 41,670 ये भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, इसको भी बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, यानी कि ये रेजिस्टेंस भी सपोर्ट बन चुका है, यानी कि नीचे सपोर्ट है उसके नीचे भी सपोर्ट है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचिए, सेलिंग के बारे में मैं व्यू ना दूं तो अच्छा है, और मैं आपको क्या ही व्यू दूं दोस्तों, क्योंकि क्लियर कट दिख रहा है कि बाइंग के बारे में है और बाइंग के तरफ ही मार्केट जाएगा। क्लियर हो गया। अब जल्दी देख लेते हैं हमारा निफ्टी का क्या हाल चाल है। देखिए निफ्टी भी बहुत सिंपल है दोस्तों, निफ्टी का स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखेंगे सिंपल, बैंक निफ्टी का जो हमने एनालिसिस किया था, निफ्टी को भी वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप एनालिसिस करेंगे, एक चैनल के अंदर घूमता फिर रहा था, ये ऊपर अगर आप देखेंगे रेड कलर का ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हो, नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे ग्रीन कलर का ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हो, और इसी ग्रीन कलर का ट्रेंड लाइन को यहां पे जब जब निफ्टी ने टच किया आपके सामने प्रूव है दोस्तों, तब तब निफ्टी ऊपर की तरफ मूव किया, टच किया ऊपर गया, टच किया ऊपर गया, टच किया ऊपर गया, टच किया ऊपर गया, और जब जब लाइक निफ्टी अगर रेड ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है देन डेफिनेटली नीचे आ रहा है। आप ध्यान से देखिए यहां पे टच किया नीचे आया, यहां पे देखिए यहां पे टच किया नीचे आया, यहां पे देखिए यहां पे भी कहीं ना कहीं टच किया था थोड़ा नीचे आया था। तो सीधी सीधी बात है दोस्तों, निफ्टी भी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे एक चैनल के अंदर बहुत ही महीने तक आप बोल सकते हैं कि फंसा रहा, लेकिन सीधी सीधी बात है निफ्टी भी जिस दिन दोस्तों हमारा ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जैसे बैंक निफ्टी ने तोड़ा था ना, बिल्कुल वैसे ही दोस्तों निफ्टी जैसे ही इसी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है, तब से निफ्टी का मोमेंट भी फुल बुलिश बन चुका है, और ऑब्वियस बात है दोस्तों लाइक निफ्टी का ट्रेंड भी कहीं ना कहीं अपसाइड ही है। तो अगर मंडे के दिन, बहुत सिंपल भी हो जाएगा, अगर मंडे के दिन फ्लैट खुला और 17,820 इसके ऊपर अगर अगेन एक वन डे टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देता है देन डेफिनेटली दोस्तों यहां से निफ्टी आपको सीधे 18,135 तक टारगेट तो यूं ही दोस्तों देखने को मिलेगा। तो अगर क्योंकि देखिए हमारा ट्रेंड तो यहां पे चेंज हो चुका है, कोई टेंशन नहीं है, क्लियर कट पता चल चुका है बुलिश है बोल के, तो अभी कोई टेंशन नहीं है। अब क्या करना है, हमें हर हाई ब्रेक करने पे बाय करना है, हर एक डिप पे दोस्तों कहीं ना कहीं बाइंग के बारे में सोचना है। तो 17,828 हमारा जो निफ्टी का लाइक रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर अगर एक दिन में, अगर एक दिन का यानी कि वन डे टाइम फ्रेम पे अगर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देता है ऐसे, तो यहां से हम बाइंग करके चलेंगे 18,100 का कॉल को आप खरीद सकते हैं, छोटा सा बस एसएल डाल के, क्योंकि प्रीमियम डीके भी हो सकता है। ओके, 18,000 का कॉल तो खरीद सकते हैं क्योंकि क्लियर कट हमें पैटर्न दिख रहा है ऊपर
की तरफ है। अब दूसरा बाइंग कब बनेगा, देखिए दूसरा बाइंग दोस्तों बनेगा अगर अगर मंडे के दिन गैप डाउन खुला या फिर ट्यूसडे के दिन भी मार्केट नीचे आया और जैसे ही 17,695 से लेके दोस्तों 17,635 ये ग्रीन जोन जो मैं बना के रखा हूं इसको अगर निफ्टी टच कर देता है ना, यहां से भी निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। इसके पीछे अगर मैं सारा ड्रॉइंग रिमूव कर लूं और अगेन आपके सामने अगर मैं समझा दूं तो आंसर आपके सामने है दोस्तों, यानी कि मेरा कहने का मतलब पता है वो ग्रीन जोन मैंने आपको क्यों दिया था। ये देखिए निफ्टी का हमने कहीं ना कहीं जो हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन था दोस्तों इसको निफ्टी ने कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि रिटेस्ट करने नहीं आया है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप देखेंगे यहां से दोस्तों हमारा ट्रेंड लाइन बन रहा था रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, इसको निफ्टी ने यहां पे ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देखिए सीधा ऊपर गया है, निफ्टी को नीचे आना चाहिए फिर रिटेस्ट करके भी ऊपर जानेगा, तो निफ्टी ऊपर है इसलिए मैं बोला कि अगर नीचे भी आया और ये जहां पे ब्रेकआउट दिया था इसी जोन के आसपास 17,670 के आसपास या फिर 635-50 के आसपास इसी जोन के आसपास मिला ना, यानी कि ट्रेंड लाइन को टच किया, तो यहां से भी हम बाइंग करके ही चलेंगे। ओके, क्योंकि प्लान तो पूरे के पूरे हमारा निफ्टी में रेडी हो चुका है कि भाई ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे बोल के, लेकिन प्लान भी तो होना चाहिए। प्लान है तो आपको क्लियर कट पता है कि यार निफ्टी हमारा ये जो हाई है इसको ब्रेक करने पे ऊपर ही जाने वाले हैं क्योंकि ट्रेंड पूरे के पूरे यहां से जैसे ही थोड़ा चेंज हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा पुल बैक मार के भी अगर फिर से ऊपर जाएगा तो और भी अच्छा है। अगर नीचे भी आया और इसी एरिया के आसपास आया तो डेफिनेटली दोस्तों डिप में भी हम बाय करेंगे। क्लियर हो गया ये चीज? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाइए फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि लाइव मार्केट में जो लेवल जो ऑप्शन का एनालिसिस एवरीथिंग में दोस्तों फ्री में देता हूं, कुछ भी पेड नहीं है क्योंकि बहुत कुछ फ्री में दे देता हूं दोस्तों। जिनको पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तब भी आप जाइए फ्री वाले ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपने मम्मी पापा को बहुत 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 सारा प्यार दीजिए, उनका ख्याल कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं सीधे कल के दिन। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। टेक केयर, बाय एंड सी यू।